ई एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद पैशन मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज के इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है एंड ये वीडियो किस बारे में है वो आपको थमनेल देख के पता लग चुका होगा आज मैं करने वाली हूं कम्प्लीट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट दिस इज अ रोबो वैक्यूम एंड इसका नाम है यूफी रोबो वैक जीटन हाईब्रिड एंड मैं बोलूंगी सही में हाईब्रिड हम लोगों ने पौधे देखे हैं सब कुछ देखा है लेकिन आजकल के जनरेशन में इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा है कि ये हर किसी के घर में पक्का होना चाहिए आ, जो हाउस हेल्पर का जो टेंशन है उससे आप एकदम फ्री हो जाओगे सीरियसली मेरे को तो लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसको लेके मैं आपसे पहले भी बोल रही थी कि मैं रोबो वैक जो है रो, रोबोट जो होते हैं घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए लेना चाहती हूँ ऑल्दो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं अफकोर्स वैन यू गो फॉर लिटिल हाई एंड प्रोडक्ट्स तो उनकी क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा तो रेट होता है बट ये आपका जो साल का पूरा आपका हाउस हेल्पर का खर्चा होता है ना उससे तो बहुत ही कम है एंड ऐसा नहीं है कि एक साल काम करेगा आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच यू मेक जनरली और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वीच आर वेरी मच नीडेड एट ए होम लाइक फ्रिज हो गया टीवी हो गया वॉशिंग मशीन हो गया सो so ये ऑल्सो वो रोल प्ले करता है यूफी के रोबोवैक को मैं कम से कम मोर देन ट्वेंटी डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं है एंड मैंने हाउस हेल्पर इसी लिए नहीं लगाई थी कि पहले मैं इसको अच्छी तरह लॉन्ग पीरियड तक एवरी डे मैं इसको यूज करके देखती हूँ एंड अगर मुझे ये कन्वीनियंट लगता है तब मैं आ, जो है हाउस हेल्पर का ऑप्शन जो है डिलीट ही कर दूंगी तो and इसको कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद मुझे विश्वास हो गया अब मुझे कभी भी हाउस हेल्पर की जरूरत नहीं है मैं हाउस हेल्पर लगाती भी थी तब भी झाड़ू पोछा और डस्टिंग के लिए लगाती थी तो अब झाड़ू पोछा के लिए तो मेरे पास ये यूफी का रोबोवैक है जीटन हाइब्रिड सो नाम से हाइब्रिड इसके काम भी वाले, वो तो अभी मैं दिखाऊंगी आप सही में मतलब हैरान रह जाओगे देख के एंड मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और एक पता नहीं अजीब सा सुकून सा मिल रहा है एंड जब से मैं इस रोबोवैक को यूज कर रही हूँ ना मेरा घर बहुत ज्यादा साफ रह रहा है जो हाउस पर जब आती थी तब भी उतना साफ नहीं रहता था बिकॉज वो नीचे जाके चारपाई के नीचे ऐसे कहीं पे भी लगाती थी and ये रोबो वॉक जो है ढूंढ ढूंढ के कचरा निकालता है एंड आपके घर में इतना कचरा है जो आपकी हाउस हेल्प पर तो रोज नहीं निकालती है and देख के आप अजम्बा खा जाओ कि भाई इतना कचरा तो सीरियसली इतने अच्छी तरह क्लीनिंग करता है एंड झाड़ू तो लगाता ही लगाता है पोछा भी लगाता है सो so इससे पहले अगर आपने रोबो वॉक के बारे में आपको मालूम है तो ओनली झाड़ू लगाने वाले आते थे ओचा लगाने वाले नहीं आते थे लेकिन ये टू इन वन है सो अभी ज्यादा डिले नहीं करते हुए जब भी मैं किसी अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ ना तो

मैं तो उस पर एकदम फ़िदा हूँ तो मैं आपको इसके सारे फ़ीचर्स दिखा रही हूँ एंड ये सारे जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं तो डिटेल में भी मैं आपको दिखा देती हूँ एंड इसके ऊपर जो कॉस्ट लिखा है आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा कॉस्ट अभी फ़िलहाल कम ही चल रही है जितने में मैंने लिया आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके सो तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर खोल रही हूँ ये तो ये ट्वेंटी डेज़ बैक अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने खोला था तब की क्लिपिंग है तो ये यूज़र मैनुअल है एंड उसके बाद आ, अच्छी तरह एकदम सारे आइटम्स मुझे रिसीव हुए हैं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है एंड ये जो आपको पैड दिख रहा है वो चार्जिंग है जो रोबो वैक है वो इसके ऊपर चढ़ता है अगर फ्लोरिंग वेट है मान लीजिए तो आप इसको अटैच करके अपने चार्जिंग उसमें रख सकते हैं एंड ये चार्जिंग का अडेप्टर अलॉन्ग विद द पिन दिया हुआ है सो so, ये है इसका मेन चार्जिंग का आ, प्लेस जिसके ऊपर रोवो वैक चढ़ के चार्ज होता है तो अभी उसको मैं फाड़ के ये निकाल रही हूँ तो आपको यहाँ पे दो बटन जैसे दिखते हैं इसकी व्हील्स पे आके वो लैंड करता है तब चार्जिंग शुरू होती है एंड जो आपको वायर दिया है ये पीछे आपको छोटा सा जो सॉकेट दिख रहा है उसके अंदर इंसर्ट करना होता है एंड ये एक एक्स्ट्रा uh, फिल्टर दिया हुआ है जहाँ पे डस्ट कलेक्ट होता है वहाँ पे लगाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे एक लगा हुआ है ये आपके लिए स्पेयर दिया हुआ है तो उसके यूजेज के बाद आप जिस हिसाब से यूज़ करते हैं जब आपको लगे कि आपको रिप्लेस करना है तब आप कर सकते हैं एंड नाउ आई एम ओपनिंग दिस स्मार्ट जी टेन रोबो एंड देखने में भी बहुत क्लासी है एंड मेरी रिंग लाइट जो है उसके ऊपर अच्छी तरह पड़ रही है और अभी इसकी मेरे को सील खोलनी है तो इसका आउटर लुक मैं दिखा रही हूँ एंड पीछे से कुछ ऐसे दिखता है तो ये नीचे जो ब्लू है वहाँ पे कचरा कलेक्ट होता है एंड ये जो व्हील्स है आ, उसमें बम्पिंग भी है आराम से थोड़ी बहुत हाइट के ऊपर भी चढ़ जाता है एंड uh, सामने जो राउंड वाला व्हील है उसके हिसाब से वो थ्री uh, सिक्सटी डिग्री जो है घूमता रहता है सो so, ये तो uh, यूफी का रोबोट है उसके अलावा मेन काम जो है ये फैंस करते हैं तो दो फैंस ये जो विंग्स जैसे दिख रहे हैं ना दो आपको अटैच करने होते हैं एंड दो आपको स्पेयर दिए हुए हैं एंड ये राउंड राउंड जब घूमते हैं तो जो भी कचरा है नीचे जो आपको एक ओपन प्लेस दिखा था ना उसके अंदर रोबोट के अंदर उसके अंदर फेंकते हैं जो वो कचरे में चला जाता है एंड ये है पोछा लगाने के लिए सो so, पोछा लगाने के लिए एक आपके आपके लिए कपड़ा दिया हुआ है एंड एक स्पेयर दिया हुआ है सो so, और ये अगर आपके जो विंग्स है उसमें कहीं पे बाल वाल कुछ भी फंसता है कुछ भी कचरा या धागा कुछ भी तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं एंड uh, जो आपके फिल्टर से उसके लिए ब्रश दिया है उससे आप क्लीन कर सकते हैं एंड जो वायर इसके साथ जैसे कॉर्ड दिया हुआ है अडाप्टर उसका वायर अगर लंबा है तो ये टैक्स दिए उससे आप अच्छी तरह टैग कर सकते हो क्योंकि जब भी आप यूफी को ऑन करेंगे इस रोबोवैक को तो कोई भी तार या नीचे मैट्स वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो उसको लपेट लेगा क्योंकि अगर तार वार है तो वो लपेट लेगा इसलिए वो सारी चीज़ें निकाल के आप ऑन कर सकते हैं तो किसी भी चीज़ के आड़े नहीं आएगा एंड ये जो है ये पोछा लगाने के फ़िल्टर्स है यहाँ पर छः महीने में एक बार चेंज करना पड़ता है उसमें दो लगे हुए हैं और आपको चार जो है स्पेयर दिए हुए हैं सो तो ये सारा डब्बा खाली हो चुका है एंड अभी इसकी फंक्शनिंग जो है मैं शुरू करने वाली हूँ तो सबसे पहले सील निकाल रही हूँ और इसका एक अच्छा खासा ऐप है जिससे आप आ, किसी भी रूम में बैठ के कहीं पे भी बैठ के अपने फ़ोन से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं यूफी होम करके आपको प्ले स्टोर में एक ऐप मिल जाएगा उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है ये देखिए ये वाला एंड आप इसकी रेटिंग भी अगर देखें तो फोर पॉइंट सेवन इसकी रेटिंग दी हुई है एंड लोगों का रिव्यू भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और अब मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर यूफी का ऐप एंड इस ऐप में आप अलग अलग फ़ीचर्स देख सकते हैं आ, जैसे कि आप इसको एलेक्सा के साथ या गूगल असिस्टेंस जो है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं और वॉइस कमांड भी दे सकते हैं आ, मैंने तो फ़िलहाल वो वॉइस कमांड का नहीं रखा है क्योंकि मोबाइल से ही जो इसका ऐप है उससे ही मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ बस एक एक बटन दबाव हो जाता है एंड ये लेआउट दिया हुआ है और उसके बाद इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो इनिशियली जब ये आता है इस्टानबल लैंग्वेज में सेट होता है तो आपको अपने टाइम इसमें लैंग्वेज में सेट कर लेना है एंड इस्तानबुल का ही टाइम uh, जोन आता है तो आपको चेन्नई दिल्ली कोलकाता जो है उस टाइम में आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ये हेल्प एंड असिस्टेंस का जो एक ऑप्शन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पीछे जो ऑफ ऑन का स्विच दिया है इसको आपको ऑन करना है एंड एक म्यूज़िक के साथ जो है ये ऑन हो जाता है और इसको जैसे ही आप ऑन करें इसको आप पलट लीजिए सो so, अभी मैं यहाँ पे पलट रही हूँ और यहाँ पे जो पावर बटन दिया है उसको दस सेकेंड के लिए आपको दबा के रखना है उससे जो वाईफाई है आपके फ़ोन में वो दिखाएगा इसका नाम यूफी का जो नाम है वो दिखाएगा तब आप कनेक्ट कर पाओगे एंड जो ऐप में जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो वाईफाई का जो है तब कनेक् कनेक्ट हो जाएगा तो ये दस सेकेंड वाला प्रोसेस पक्का करना है एंड यहाँ पे सक्शन दिया हुआ है जो आप मैक्सिमम में लगा सकते हो ताकि जो भी गंध है वो आराम से उठा ले एंड आपका ये रोबोट कहाँ पे है कभी कभी कहीं किसी रूम में घुस जाता है आपको पता ही नहीं लग रहा है तो आप सर्च में डाल के देख सकते हो एंड आप आराम से शेड्यूल कर सकते हो अगर आप रोज़ से सफाई करवाना चाहते हो चाहते हो एक टाइम पर तो शेड्यूल कर दोगे तो अपने आप ये स्टार्ट हो जाएगी तो देखिए कितने आराम से जा रहा है ये No जैसे कि अभी आपने सुना कि लो बैटरी बता रहा था तो अपने आप ही ये जो है अपने घर को ढूंढ लेता है ये जो चार्जिंग पॉइंट है वो उसका घर है तो अपने आप चार्जिंग पे आके ये चढ़ जाता है एंड जैसे ही चार्जिंग फुल होती है फिर दोबारा जहाँ से इसने मतलब छोड़ दिया था वहाँ से रिज्यूम कर लेता है सो दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल फीचर तो मैं साथ साथ में आपको ऐप आप का भी एक लुक दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए एंड ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मॉपिंग का जो इसके अंदर दिया हुआ ऑप्शन कभी भी चार्जिंग के टाइम पर मॉप मौ, मॉपिंग वाला जो पीस है वो अटैच नहीं करना है बिकॉज उसमें गीलापन रहता है एंड नीचे कोई भी वायर्स नहीं रखने हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो आपको याद रख लेना है एंड जैसी किसी भी चीज़ से टकराता है तो आगे बम्पर लगा हुआ है तो कुछ भी टूटता नहीं है बम्प करके पीछे आ जाता है एंड पूरी अच्छी तरह क्लीनिंग करता है अगर आप एक ही जगह पे कहीं क्लीनिंग करना चाहते हो तो मैनुअल क्लीनिंग भी है लेफ्ट राइट सामने आप जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हो एंड ये स्पॉट क्लीनिंग जैसे मैंने बोला ना जब आपको अगर एक ही जगह पे क्लीनिंग करनी है बाकी सब आपका क्लीन है तो स्पॉट क्लीन लगाओगे तो वहीं पे वो घूम घूम के साफ़ कर देगा एंड ये जो अभी आपने ऑप्शन देखा उसको एक्टिवेट करके रखने से जो है ऑटोमेटिक चार्जिंग ख़त्म तो अपने आप वो पॉइंट पे चढ़ जाएगा फिर अपने आप शुरू हो जाएगा एंड ये इनका सपोर्ट सिस्टम का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है एंड ये जो है कचरा कलेक्ट करने वाला है और अभी आप देखो इसने कितना कचरा कलेक्ट किया है पूरे घर का देखो आपकी हाउस हेल्पर अगर झाड़ू लगाएगी तो ये सब कलेक्ट करेगी और इसमें देखो वो भी मकड़ी भी आ गई है एंड इतना सारा मतलब रू रु, रुए जो होते हैं ना झाड़ू लगाते टाइम काम वाली वो सब नहीं निकाल पाती है तो मैंने इसको धोया नहीं है अभी कचरा है वो डस्टबिन में डाल दिया था झाड़ दिया था अगर आप गीला करके धोते हो तो ड्राई होने के बाद भी आपको दोबारा लगाना है एंड इस फिल्टर्स की बात कर रही थी जो स्पेयर आपको चार दिए हुए हैं एंड ये कपड़ा जो है इसमें वेलक्रो लगा हुआ है तो इस तरह से चिपक जाता है एंड यहाँ पीछे पानी भरने का सॉकेट दिया हुआ है नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें आपको प्लेन भाई पानी भरना है तो मैंने का भर दिया है और आपको इसमें लाइजोल वाइजॉल कोई भी ऐसे अदर चीज़ें ऐड नहीं करनी है क्योंकि उसमें केमिकल्स रहते हैं तो अगर अंदर जाएंगे मशीन के तो वो फ़िल्टर्स उसके ख़राब हो सकते हैं तो अगर आपको कुछ डालना ही है अगर आप लाइजोल या कुछ भी आ, अच्छी खुशबू वाला डालना चाहते हैं आप सीधा ज़मीन पर डाल दीजिए क्योंकि वो आ, इसके अंदर मशीन के अंदर नहीं जाएगा एंड अभी देखिए ये पोछा लगाने वाला है मैंने पोछा का जो है वो अटैच कर दिया है अटैच करना बहुत ही सिंपल है बस ऐसे रखो तो अंदर एक बटन है जो उसको ले लेता है एंड पोछा ये जो लगाता है एक भी इंच बिना छोड़े पूरा सफ़ाई करता है एंड इससे पोछा लगाने के बाद मेरा घर इतना साफ है कि जो आपके पैर के तलवे हैं बिल्कुल भी काले नहीं होंगे एंड जब आप चलते हैं ना तो आपको पता लगता है कि कितनी ज़्यादा सफाई हुई है एंड इसको आप देखें मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि आपको जो ये पोछा लगा रहा है ना पूरे डायरेक्शन में दिखे तो देखिए कितनी अच्छी तरह साफ़ कर रहा है एंड ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इसको देख के कि ये कोई टोटॉइज़ टौ है एंड इसको ऑन करने के बाद मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे कि ये कैसे कर रहा है तो मम्मी देखो इधर जा रहा है उधर जा रहा है करके बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरी चेयर रखी हुई है मूवेबल वाली नीचे इसका तो उसके ऊपर भी ये चढ़ के इसके चारों तरफ भी साफ़ कर रहा था तो जनरली झाड़ू पोछा लगाते टाइम साइड साइड से ही साफ़ करता है कोई उसके ऊपर साफ़ करता ही नहीं मतलब हाउस हेल्पर की जहाँ तक बात है तो ये देखिए उसके ऊपर भी चढ़ के उसके चारों तरफ भी साफ़ कर रहा था ओनली ये है कि आप जहाँ पे भी सफाई करवाना चाहते हो उसके आजू बाजू अगर आप चीज़ें नहीं रखोगे तो अच्छे से वो साफ हो जाएगा अगर आपने कुछ ना कुछ रखा हुआ है तो फिर वो वहाँ पर घुस नहीं पाएगा ना इसलिए सो so, अभी बहुत अच्छी तरह ये पोछा लगा रहा है एंड पूरे घर का पोछा जो है झाड़ू पोछा एक घंटे में लग गया था अभी आपको लगेगा कि हाउस हेल्प पर तो भाई बहुत जल्दी कर देती है तो जितनी जल्दी वो करती है उतनी सफाई होती भी नहीं है एंड ये देखो चार के नीचे भी घुस गया एंड चार के नीचे इससे पहले इतनी गंदी निकली थी एंड मैं यहाँ से दिखा रही हूँ शाइन बहुत अच्छी तरह शाइन आ रही है एंड अभी एक और चीज़ मैंने इसको रखा है अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर एंड डाइनिंग टेबल के ऊपर से ये गिरेगा नहीं बिकॉज इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं अगर आगे के कुछ खाली चीज़ें मतलब तो अपने आप ये पीछे को आ जाता है तो आ, मैंने इसका जो आ, पोछे वाला कपड़ा था अभी अटैच नहीं किया अभी मैं अटैच करूँगी उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है क्योंकि इससे पहले गंदा हुआ था ताकि जो आपका डाइनिंग टेबल है मतलब एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया है अदरवाइज़ आप दोनों जो इसके पोछे के लिए दे रखे वो दोनों यूज़ कर सकते हो एक पोचे के लिए एक झाड़ू के लिए सो तो, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब जब मैं वीडियो निकाली थी मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए क्योंकि इसके फीचर में है आगे अगर कुछ नहीं है तो अपने आप ये रिवर्स आ जाएगा जैसे बच्चों के खिलौने भी होते हैं ना टकराते हैं रिवर्स आ जाते उस टाइप में एंड अभी आ, मैंने इसको अपने बेड पे भी रखा है तो बेड पर भी ये बिल्कुल नहीं गिरेगा बट ये चीज़ है कि अगर आपका जो मैट्रेस है एक साइड से ढला हुआ है एकदम पैरल नहीं है तो वो शायद गिर सकता है अगर एकदम जैसे फ़्लैट जमीन जो होती है वैसे है तब तो वो बिल्कुल नहीं गिरेगा सो so, आप ये देख लीजिए कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं फ्यूचर में आपका गद्दा एकदम लेवल खड़क हो सो इतनी अच्छी क्लीनिंग है कि क्या बताऊँ इस पर बार बार हाथ लगा लगा के जो है हाथ की उंगलियों के निशान क्लीनिंग आप देख चुके हैं और मैं यहाँ पे देखो तू डाल डाल रही हूँ और कैसे भी इसको डाल दो दूध डाल दो पास डाल दो पूरा अपने हिसाब से घूम के साफ कर देगा सो so, जो इस फ्लोर पे दिखे इसलिए मैंने थोड़ी दिखने वाली चीज़ डाली अदरवाइज़ अगर मैं राई भी डालती तो वो भी ये उठा लेता सो so, अभी देखते हैं कि ये क्लीन कैसे करता है देखा आपने अगर मैं यहाँ पे स्पॉट क्लीनिंग लगा दूँ तो उसी स्पॉट पे घूम के ये क्लीनिंग कर देगा तो अभी वापस आ रहा है ये ये सब कुछ उठा चुका है यहाँ पे एकदम क्लीन हो चुका है सो so, कैसा था ये प्रोडक्ट ला जाओ ना आई एम तो सीरियसली लविंग लविंग इट मैं इसका रिव्यू नहीं बना रही थी बहुत जल्दी बिकॉज मेरे को हर एंगल से इसके बारे में जानना था एंड मैंने अभी जान लिया है तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ एंड आई आई फील कि हमेशा औरतों को जो है झाड़ू पोछा बर्तन में ही बिजी नहीं रहना चाहिए अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए तो ऐसी चीजें पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना यू विल गेट सो मच ऑफ फ्री टाइम जो आप कुछ प्रोडक्टिव करने में निकाल सकते हो या प्रोडक्टिव कर सकते हो अगर आप पूरा दिन किचन में घर के कामों में बिजी हो तो आपका तो आप थक ही जाओगे और क्या क्रिएटिव कर सकते हो आप अपनी हॉबीज को कैसे एक्सप्लोर करोगे नहीं ना कर सकते तो कुछ चीजें जो है रिक्वायर्ड है एंड लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस एज का उसके साथ कोई संबंध नहीं है चलो अभी एज इतनी होगी ना अब क्या सीखेंगे चलो अब तो शादी होगी ना अब क्या करना सो नेवर लूज होप्स इन योर लाइफ Uh, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है तो अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं उन चीजों से तो उससे बड़ी क्या चीज़ हो जाती है तो मेरे को तो ये प्रोडक्ट काफी 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 अच्छा लगा मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप जाके प्राइस वाइज चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको सही लगे तो आप परचेज कर सकते हैं कोई फोर्स नहीं है कभी भी मैं जब मैंशन करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस मैंने अपने खुद के लिए लिया है तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ खरीदना ना खरीदना वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है तो मैंने लिंक तो दिया है आप डिटेल्स पहले चेक कीजिए और भी बहुत सारे वीडियोज देखिए इसके रिव्यू के अगर तब आपको लगे तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर एक लाइक चिपकाइएगा भूलिएगा मत एंड सीरियसली दिस इज अ बून आई अईसेट कि जिसने भी इसको डिजाइन करा है ना उसको तो मैं मतलब दंडवत प्रणाम करती हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट निकाला है इतने सेंसर्स है इतना इंटेलिजेंट है ये रोबोट कि क्या बताओ अपनी इंटेलिजेंस भी इसके काम सामने कम पड़ रही है तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोडक्ट में बोलूंगी तो आई जस्ट लव तो चलिए लाइक करते हुए शेयर करते हुए शेयर 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 पक्का कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के आगे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं मिलती अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय